नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। खबर शहडोल जिले के जैतपुर से, जहां के रसमोहनी गांव के अलग अलग मोहल्लों में दो कोरोना मरीज मिले हैं, लेकिन प्रशासन ने एक ही मोहल्ले को सील किया और एक को नहीं, जिसके बाद गांव वालों में काफी नाराजगी थी और इस खबर को हमने आपको दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने सुध ली और दूसरे मोहल्ले को भी सील कर दिया। जैतपुर तहसील में कोरोना की दस्तक से तहसील सूना पड़ गया। हर तरफ डर का माहौल है, लेकिन प्रशासन इस डर को समझने के लिए तैयार ही नहीं। जहां से भी पॉजिटिव मरीज मिले, वहां तत्काल रूप से किसी का भी सैंपल नहीं लिया गया। बीते 3 दिन बाद जिले के मेडिकल कॉलेज की टीम गांव पहुंची और 63 लोगों का सैंपल लिया। उसके बाद भी अभी कुछ संपर्क में आए लोग बचे हैं। गांव वालों से पूछने पर उन्होंने कहा कि किट नहीं है, कहकर सैंपल लेने से मना कर दिया। देखिए, यहाँ कितने दिन पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था और अभी क्या व्यवस्थाएं हैं, आप बता सकते हैं क्या? यहाँ 4 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था और अभी तक सैनिटाइज नहीं हुआ, न कोई है। बड़े अधिकारी जिला से नहीं आए, तहसीलदार साहब आए हैं जी, वो देख रेख किए हैं, लेकिन यहाँ न काढ़ा बांटा, न कहीं किसी घर, जिसके घर में मरीज पाया गया वहाँ तक सैनिटाइज नहीं हुआ है। ये पूरा मोहल्ला बचा हुआ है, कहीं भी सैनिटाइजेशन नहीं हुआ, कंटेनमेंट जोन भी अच्छे से नहीं बन पाया है। और यहाँ जो सील हुआ है अभी, ये सब कुछ कब हुआ है? ये 3 दिन बाद हुआ है। 3 दिन पॉजिटिव मिलने के बाद, पॉजिटिव मिलने के बाद भी जी 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 प्रशासन हरकत नहीं लेता। और आपको कुछ दवाई और सैंपल वैम्पल आपका ले जाया गया है क्या? सैंपल हाँ, कल रात में मेडिकल टीम, मेडिकल कॉलेज से टीम आई थी, उन्होंने सैंपल लिया है। तकरीबन 30 लोगों का सैंपल यहाँ से जा चुका है और भी लोग सैंपलिंग के लिए बचे हुए हैं, लेकिन अधिकारियों को यहाँ पे कहना था कि किट सिर्फ 20 हमारे पास, इसलिए हम ज़्यादा सैंपलिंग ना लेंगे यहाँ पे। और उनको बोला गया कि आप किट लेके आइए, सैंपल और भी ज़्यादा यहाँ से जाएंगे, उनका सैंपल लिया जाए और जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है उसको सैनिटाइज करके पूरे मोहल्ले को सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया जाए और जो कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है उस एरिया को तरीके से बनाया जाए ताकि लोगों का अब आना जाना बंद रहे। और जो भी यहाँ पे मतलब व्यक्ति घूमते हैं या पॉजिटिव जो परिवार से उनके घर से या अन्य कोई व्यक्ति अगर यहाँ से आना जाना करता है तो उनके पर कानूनी कार्रवाई करें और जो संदिग्ध हैं उनसे जो संपर्क में आए उनका भी सैंपल लिया जाए। गांव वालों का सीधा कहना है कि अभी तक कोई भी अधिकारी इसे गंभीर रूप से नहीं ले रहा था, इसलिए पॉजिटिव मरीज के घर के आसपास का इलाका 3 दिन बाद सील किया गया और ना ही अभी तक इलाके को सैनिटाइज किया गया। सिर्फ तहसीलदार आकर व्यवस्था देखते थे और जिले से कोई भी बड़ा अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा। ये गांव का वही इलाका है जिसे खबर चलने के बाद सील किया गया और आधी रात तक सैंपल लिया गया। तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि अब प्रशासन हरकत में आया है और इस रास्ते को बंद करके यहां से आवागमन बंद किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। नमस्कार।